नमस्कार, आपका स्वागत है अदिति न्यूज में। हम रुख करते हैं गाडरबरा नगर के टाउन प्राथमिक शाला की, जहां इस स्कूल की छत के ऊपर खपड़े हैं और इस खपड़े के ऊपर पन्नी ढकी हुई है, त्रिपाल ढकी हुई है, जिससे कि बारिश में बच्चों के ऊपर पानी ना गिरे। आपको बता दें कि यह स्कूल काफी प्राचीन है और यहां इस स्कूल में अच्छी अच्छी हस्तियों ने, नगर की गणमान्य नागरिकों ने इस स्कूल में अध्ययन किया है और आज वो हस्तियां विश्वविख्यात के रूप में जानी जाती हैं। लेकिन उसके बाद भी इस स्कूल की स्थिति यह है कि इस स्कूल की छत भी सही नहीं है, जिसके चलते बच्चों के जीवन के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या आपको लगता है मध्य प्रदेश सरकार का यही विकास है, या फिर जो विकास यात्रा निकाली जा रही है वो धरातल पर विकास के नाम पर एक छलावा है? देखा जाए तो जमीनी हकीकत यही है। आज हम जगह जगह देख रहे हैं कि विकास दूर तक नजर नहीं आ रहा और सरकारें, मध्य प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में विकास यात्रा निकाल रही है, जिले में निकाल रही है, तहसील में निकाल रही है, और उन विकास यात्रा निकालने वाले जिम्मेदार लोगों को भी इन चीजों पर गौर फरमाना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। इस न्यूज के माध्यम से, अदिति न्यूज के माध्यम से, हम मध्य प्रदेश की सरकार से भी ये अपील करते हैं कि वो गौर फरमाएं और इस स्कूल में भी कुछ विकास को गति दें, जिससे कि यहां पर बच्चे सुरक्षित अध्ययन कर सकें, क्योंकि कभी भी यहां पर छत के कपड़े बच्चों के ऊपर गिर जाते हैं और बच्चे इनसे घायल हो जाते हैं। आप देखिए, सरकारी स्कूल है जिस पर कपड़े हैं और उसके ऊपर पन्नी डली है। क्या यही सरकारी तंत्र है हमारा आज जो दिख रहा है हमें, या फिर जो कागजों में हो रहा है वो एक अलग है? इस विषय पर हमें सोचना पड़ेगा और सरकारों को भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम जो चीज कागजों में कर रहे हैं वो धरातल पर भी लोगों को नजर आए, जिससे कि वास्तव में क्षेत्र का विकास हो सके। आगे देखना यह है कि खबर के बाद क्या भांजियों के मामा, बच्चों के मामा इस स्कूल पर ध्यान देंगे कि नहीं, और इस स्कूल का विकास करेंगे कि नहीं, और जिम्मेदार जो हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि अधिकारी वो भी इस स्कूल पर ध्यान देकर कब इसका विकास करेंगे। मैडम, यहाँ पर ये खपड़े हैं, पन्नी छत पर डली हुई है और बच्चों को दिक्कत भी आती है, बारिश में भी गिरते हैं खपड़े, और अभी कोई खपड़े गिर जाते होंगे लग रहा है। हाँ, जैसे कि आज ही गिर गया एक लड़की के ऊपर, वो खेल रही थी जस्ट नीचे, खपड़ा गिर गया। हाँ, उसको चोट लग गई होगी। हाँ, थोड़ा सा। तो ये ऐसी घटना होती रहती होंगी, हो जाती है कभी कभी बारिश में, और दिक्कत जाती होगी। हाँ, बारिश में पानी का बाकी पॉलिथिन लगवा दी है। अच्छा अच्छा, क्या शुभ नाम मैडम? मेरा सारिका स्थान। थैंक यू मैडम। ये टाउन स्कूल प्राथमिक शाला काफी प्राचीन स्कूल है और अच्छा स्कूल माना जाता है बच्चों के लिए जी। लेकिन इसके जो खपड़े हैं, खपड़े के ऊपर पन्नी लगी है, क्या यहाँ पर बारिश में पानी टपकता है क्या? जी हाँ, वो क्या है, ऊपर बंदर वगैरह आ जाते हैं। हाँ, टूट जाते हैं तो बारिश में ऐसी पूरी पन्नी छाई रही है अपने, तो वो क्या है, इस साल पन्नी डलवा दी थी, नहीं तो वो सुधरवा देते हैं। कोई जीर्णोद्धार का काम नहीं किया जाता शासन के द्वारा कि इसको सुधार किया जाए, इसमें जैसे पानी टपक रहा है, बच्चे बारिश में बैठे रहते हैं? जी सर, इसमें नहीं किया जा रहा है, पीछे अतिरिक्त कक्ष बने हैं। तो अतिरिक्त कक्ष बने हैं पर ये बहुत पुराना है। ये कितने वर्ष पुराना होगा ये कुछ स्कूल, कुछ आइडिया है? ये तो 1885 का स्थापना है। 1885 का स्थापना है, तो इस प्राथमिक शाला काफी प्राचीन है। वैसे भी बताते इतिहास में हो जाती है, तो इन इमारतों को शासन को सुधार कर करना चाहिए। जी जी, इसमें अब छत डलाना चाहिए जी। और बच्चों को दिक्कत जाती होगी बारिश में तो? जी, अब नीचे से तो अच्छा हो गया है। हाँ, टाइल्स वगैरह लगवा, छत और अच्छी हो जाए। छत और अच्छी हो जाए। क्या शुभ नाम है मैम? गायत्री नाम है। कौन से पद पर है? हम यहाँ है तो सहायक शिक्षक, लेकिन यहाँ तो प्रभार है मेरे पास। जी जी, प्रभारी प्राचार्य। ठीक है, थैंक यू।